आज जिसे हम ईरान कहते हैं, 1800 साल पहले यहाँ था सासानियन एम्पायर। इसे दूसरा फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है। फारसी साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 559 ईसा पूर्व में। ये सभ्यता ज़ोरोएस्ट्रियन या पारसी धर्म को मानती थी। इन रुइंस को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं ये सभ्यता आर्किटेक्चर, आर्ट्स, साइंस में कितनी उन्नत थी। 632 ईस्वी के आसपास शुरू हो जाता है यहाँ अरब्स के मुसलमानों का आक्रमण। सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। 654 ईस्वी तक लगभग पूरे फारस पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर शुरू हो जाता है यहाँ के लोगों का इस्लामीकरण। कुछ इसे स्वीकार लेते हैं, कुछ मारे जाते हैं और कुछ अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड को छोड़कर चल पड़ते हैं नए ठिकाने के लिए। 8th सेंचुरी में ऐसा ही एक ग्रुप आ पहुंचता है गुजरात के संजान में और वे वहां के लोकल हिंदू राजा जदी राणा से उनके राज्य में असाइलम की मांग करते हैं। 16th सेंचुरी के पारसी प्रीस्ट बहमन कैकोबाद ने अपनी बुक किस्सा ए संजान में इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है। जब पारसी लोग जदी राणा के पास पहुँच कर असाइलम की मांग करते हैं, तब जदी राणा दूध से पूरी तरह भरे हुए एक बर्तन की ओर इशारा करते हैं। वे कहना चाहते हैं, हमारा राज्य पहले से पूरी तरह भरा हुआ है, यहाँ और जगह नहीं है। ये देख पारसी पुजारियों में से एक दूध में एक चुटकी चीनी मिला देते हैं और संकेत देते हैं वे बर्तन को ओवरफ्लो नहीं करेंगे बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जदी राणा फिर उनके रिलीजियस कस्टम्स के बारे में पूछते हैं, तब पारसी प्रीस्ट संस्कृत के 15 श्लोक सुनाते हैं और पारसियों के जीने के तरीके के बारे में बताते हैं। उनके आंसर्स से जदी राणा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वे पारसियों के सामने 3 कंडीशंस रखते हैं। उन्हें गुजराती सीखना होगा, फीमेल्स को लोकल ड्रेस साड़ी एक्सेप्ट करना होगा और अपने हथियार छोड़ने होंगे। ये कंडीशंस पारसी स्वीकार लेते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है भारत में पारसियों के इतिहास की। इन्हीं ग्रुप के साथ आई एक फैमिली बाद में बस जाती है गुजरात के नवसारी में। ये फैमिली पारसी धर्म के प्रीस्ट होते हैं। 25 पीढ़ियों तक फायर टेंपल में पूजा करते अपने कल्चर को बचाए रखते हैं। इस फैमिली में 3 मार्च 1839 को जन्म होता है जमशेदजी टाटा का, वो शख्सियत जिन्होंने 1868 में नींव रखी टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप में आज एविएशन, फाइनेंस, स्टील, केमिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एडवांस सिस्टम्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स के करीब करीब 100 सब्सिडरीज हैं, जिसमें से 29 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। पर जे एन टाटा फैमिली में पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। ये परिवार जो पारसी पुजारी थे, कई पीढ़ियों तक अपने अग्यारी, दरे मेहर या आतिश बेहराम में पूजा करते रहे, अपना जीवन जीते रहे। आतिश इसलिए क्योंकि पारसी अग्नि पूजक होते हैं और फारसी में आतिश का अर्थ अग्नि होता है। पारंपरिक पुजारी होने की परंपरा को छोड़कर बिजनेस करने वाले पहले टाटा थे। इनके पिता नुसरवान जी, अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अफीम की खरीद फरोख्त से की। तब अफीम का व्यापार लीगल था। दरअसल ये साल 1850 था जब पश्चिमी देश दुनिया भर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। युद्ध आम बात थी। इस दौरान घायल सैनिकों को दर्द से राहत देने और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने अफीम दी जाती थी, जिसने अफीम की मांग को काफी बढ़ा दिया था। जे एन टाटा तब नवसारी में ही पढ़ाई कर रहे थे। नुसरवान जी टाटा बम्बई में व्यापार से जुड़े थे। उन्होंने अफीम के व्यापार में काफी मुनाफा कमाया था। बाद में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में जे एन टाटा का एडमिशन कराया जाता है। जब वो 20 साल के होते हैं, उनका एजुकेशन वहां से पूरा होता है। शुरुआत में जे एन टाटा अपने पिता के साथ ही काम करते हैं। 9 साल उनके साथ वही रहते हैं। ये वह दौर था जब उनके पिता को सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय अफीम के व्यापार में भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसी समय 1868 में जमशेद जी 21,000 रुपये की स्टार्टअप पूंजी के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना करते हैं। यही था आज का टाटा ग्रुप। इन 155 सालों में टाटा ग्रुप ने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ किया। टाटा ग्रुप के लीडर्स भी बदलते रहे, पर इसने अपनी विश्वसनीयता और प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखा। चलिए हम देखते हैं कैसे टाटा ग्रुप 21,000 रुपये की कंपनी से आज भारत के सबसे बड़े मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट में से एक बनती है। 1868 में कंपनी स्थापना के बाद शुरुआत के 20 साल चुनौतीपूर्ण थे। किसी भारतीय के लिए बिजनेस में हाथ डालने के लिए ये बिल्कुल भी उचित समय नहीं था। अंग्रेजों का अधिकार भारत में चल रहा था।
1857 के संग्राम को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। 1869 में जमशेदजी मुंबई के चिंचपोकली में एक दिवालिया तेल मिल खरीद लेते हैं और उसे टेक्सटाइल मिल में बदल देते हैं। यहाँ से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। इसी दौरान 1971 में कंपनी के कार्य के लिए उन्हें ब्रिटेन जाना होता है, जहाँ वो लंकाशायर कॉटन मिल जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस की कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी का अंदाजा होता है। भारत आकर वो चिंचपोकली मिल को अच्छे दाम पर एक स्थानीय कपास व्यापारी को बेच देते हैं। उन्हें समझ आता है भारत में टेक्सटाइल बिजनेस के फील्ड में ब्रिटिश मोनोपोली को खत्म किया जा सकता है। उस समय जब अधिकांश पूंजीपति अपने उद्योग के लिए मुंबई को चुन रहे होते हैं, उनका बिजनेस माइंड सोचता है कपास की खेती वाले क्षेत्र, रेलवे जंक्शन तक आसान पहुंच और पानी और ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति उनकी सफलताओं की संभावना को बढ़ा सकती है। ये सब ध्यान रखते 1874 में नागपुर में एक टेक्सटाइल मिल द एम्प्रेस मिल की स्थापना जेएन टाटा करते हैं। ये टाटा ग्रुप का पहला खुद से स्थापित किया बिजनेस होता है। जिस बम्बई ने उन्हें और उनके पिता को बिजनेस दिया, जेएन टाटा उसे और बेहतर बनाना चाहते थे। एक सपना जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसे साकार करते हुए 16 दिसंबर 1903 को ताजमहल होटल की शुरुआत की जाती है। ये लक्जरी होटल चेन आज दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड में से एक है। भारतीय उद्योग को नई दिशा देने वाले जमशेद जी टाटा का 1904 में निधन हो जाता है। उनके बेटे दोराबजी टाटा अब अध्यक्ष पद संभालते हैं। मैन ऑफ स्टील कहे जाने वाले दोराबजी टाटा भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करते हैं और जेएन टाटा के द्वारा दिखाए गए दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। 1907 में साक्ची के सुदूर इलाके में भारत का पहला स्टील संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित होती है, जिसे अब टाटा स्टील कहा जाता है। उत्पादन शुरू होने से पहले ही टाटा कंपनी वहां अस्पताल बनवाती है। शायद इन्हीं विशेषताओं ने टाटा कंपनी को लंबे दौर में भी लोकप्रिय बनाए रखा। टाटा का पहला इंटरनेशनल ऑफिस भी 1907 में ही लंदन में स्थापित की जाती है। 1909 में टाटा ग्रुप के प्रयासों से बंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की जाती है। इसे बनाने के लिए जमीन और पैसे मैसूर राजा कृष्णा राजा वाडियार फोर्थ देते हैं। बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स और स्ट्रक्चर के लिए टाटा ग्रुप सहयोग करते हैं। 1911 में फर्स्ट बैच आता है। 1910 में दोराबजी टाटा पश्चिमी भारत के पहले हाइड्रो प्लांट का उद्घाटन करते हैं। ये टाटा पावर की शुरुआत थी। साक्ची के टाटा स्टील प्लांट वाली जगह को 1912 में भारत का पहला प्लांट इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जाता है। 1919 में इसका नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया जाता है। 1917 में टाटा समूह टाटा ऑयल मिल्स कंपनी की स्थापना करते हैं और इसके साथ FMCG में कदम रखते हैं। हमाम और मोती जैसे प्रसिद्ध साबुन ब्रांड्स को लाया जाता है। कंपनी को 1984 में हिंदुस्तान लीवर को बेच दिया जाता है। 1919 में जेएन टाटा के छोटे बेटे रतनजी टाटा के निधन के बाद वसीयत के अनुसार टाटा ट्रस्ट का उदय होता है। उस दौर में 80 लाख रुपए से शुरू हुआ ये ट्रस्ट आज कई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में सहायता करता है। रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कला, शिल्प और संस्कृति के क्षेत्रों में अनुदान प्रदान करता है। 1920 में दोराब टाटा के प्रयासों से भारत एंटवर्प ओलंपिक खेलों में अपनी पहली ओलंपिक टीम उतारती है। 1924 में पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले टीम को टाटा ग्रुप स्पॉन्सर करती है। वर्ष 1932 में भारत एविएशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाती है। JRD टाटा कराची से मुंबई तक के फर्स्ट फ्लाइट उड़ाते हैं। टाटा एयरलाइंस का जन्म होता है, जिसका नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया कर दिया जाता है। 1932 में सर दोराबजी टाटा अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते हैं। अपनी पत्नी की स्मृति में लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। उनका निधन वर्ष 1932 में हो जाता है। 1938 में JRD टाटा समूह में सबसे प्रभावशाली भूमिका में आ जाते हैं। 34 साल की उम्र में वह टाटा ग्रुप के इतिहास में सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनते हैं। वर्ष 1939 में मीठापुर के सुदूर तटीय इलाके में टाटा केमिकल्स का जन्म होता है। 1941 में दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा मेमोरियल अस्पताल की स्थापना की जाती है। इस तरह भारत में कैंसर के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जाता है और कैंसर के ट्रीटमेंट को सभी लोगों तक पहुँचाया जाता है।
1945 में टाटा समूह तेजी से बिजनेस का विस्तार करते हुए टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी का गठन करती है, जिसका 2003 में नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया। 1945 में ही JRD टाटा और होमी भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण प्रगति होती है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। आजादी के बाद 1952 में टाटा समूह भारत के पहले सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड लैक्मे को पेश करती है। 1984 में लैक्मे और टाटा ऑयल मिल्स कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया जाता है। 1954 में टाटा समूह प्रसिद्ध एयर कंडीशनिंग ब्रांड वोल्टास बनाती है। 1954 में ही टेल्को जर्मनी के डेमलर बेंज के साथ कलैबोरेशन करके कमर्शियल व्हीकल के क्षेत्र में कदम रखती है। 6 महीने के अंदर पहला टाटा मर्सिडीज बेंज ट्रक बनाया जाता है। 1962 में टाटा समूह पे उद्योग पर आती है। टाटा फिनले लाया जाता है, जो बाद में टाटा टी और वर्तमान में टाटा ग्लोबल बेवरेजेज में बदल जाती है। 1968 में टाटा ग्रुप 100 साल पूरा करती है। इसी वर्ष सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लाया जाता है। आज यह एक वैश्विक उद्यम के रूप में स्थापित है, जो 46 देशों में काम कर रही है। 1969 में JRD टाटा और डॉक्टर जमशेद भाभा मिलकर नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना करते हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रमुख संस्थान बनती है। 1982 में ताज ग्रुप लंदन के सेंट जेम्स कोर्ट का अधिग्रहण करती है और अपनी वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाती है। इसके 2 साल पहले टाटा समूह अपना पहला इंटरनेशनल होटल यमन में खोल चुकी थी। 1983 में टाटा केमिकल्स द्वारा देश के पहले आयोडीन युक्त ब्रांडेड नमक टाटा साल्ट की शुरुआत की जाती है। 1984 में टाटा समूह टाइटन इंडस्ट्रीज खोलती है, जो तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के साथ जॉइंट वेंचर था। यहां से टाटा समूह घड़ियों के बाजार में उतरती है। कमर्शियल व्हीकल्स में सफलता पाने के बाद टाटा समूह 1991 में टेल्को के रूप में प्राइवेट व्हीकल क्षेत्र में प्रवेश करती है। 91 में ही टाटा सियेरा और फिर 1992 में टाटा एस्टेट लाया जाता है। टेल्को अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। JRD टाटा के बाद 1991 में अध्यक्ष पद रतन टाटा को प्राप्त होता है। रतन टाटा के आने के बाद टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मजबूत पहचान बनाना शुरू किया। वर्ष 1992 में टाइटन रागा की शुरुआत करती है और 1998 में फास्ट्रैक लॉन्च करती है, जो यूथ आइकॉनिक ब्रांड बनकर उभरती है। 1994 में टाटा समूह इंडियन ज्वेलरी मार्केट में एंटर करते हुए ब्रांड तनिष्क को लाती है। 1998 में टेल्को बाजार में टाटा इंडिका लेकर आती है। ये पूरी तरह से भारत में डिजाइंड और निर्मित पहली कार थी। साथ ही इसी वर्ष भारत के पहले SUV टाटा सफारी को भी लॉन्च किया जाता है। 2000 में टाटा टी प्रसिद्ध ब्रिटिश टेटली समूह का अधिग्रहण कर लेती है। ये 160 साल पुरानी कंपनी थी। टेटली आज दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा चाय ब्रांड है। 2000 में टाटा AIA और 2001 में टाटा AIG इन दो जॉइंट वेंचर्स के साथ टाटा समूह बीमा क्षेत्र में एंटर करती है। टाटा समूह 2002 में VSNL का अधिकांश स्टेक ले लेती है और टाटा कम्युनिकेशंस की नींव रखी जाती है। आज यह नेटवर्क सॉल्यूशंस, मोबिलिटी एंड IoT में ग्लोबल लीडर है। 2003 में TCS $1 अरब से अधिक राजस्व वाली भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाती है। अगले वर्ष 2004 में भारत में सबसे बड़े IPO के साथ ये सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करती है, जिसमें करीब $1.2 बिलियन जुटाए जाते हैं। टाटा मोटर्स 2004 में साउथ कोरियन डेवू मोटर्स के हेवी व्हीकल्स यूनिट को अक्वायर कर लेती है और इसी साल ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है। टाटा समूह 2006 में टाटा स्काई लॉन्च करते हुए डायरेक्ट टू होम क्षेत्र में कदम रखती है। 2006 में ही टाटा समूह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्यूरेबल्स के लिए मल्टी ब्रांड आउटलेट क्रोमा स्थापित करती है। 2007 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए टाटा समूह ब्रिटेन की स्टील कंपनी कॉरस का अधिग्रहण कर लेती है, जिसका नाम अब टाटा स्टील यूरोप है। यह एक्विजिशन टाटा स्टील को यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक कंपनी बना देती है। 2008 में टाटा मोटर्स टाटा नैनो पेश करती है। इसी साल ये ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को अक्वायर कर लेती है।
2011 में रतन टाटा वेस्ट बंगाल में टाटा मेडिकल सेंटर का उद्घाटन करते हैं। कैंसर उपचार के लिए विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाता है। 2012 में कॉफी के शौकीनों के लिए टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय कॉफी कंपनी स्टारबक्स के साथ जॉइंट वेंचर बनाती है। इस सहयोग से अगले 5 वर्षों में स्टारबक्स स्टोर्स अपने इतिहास में सबसे तेज विस्तार का रिकॉर्ड बनाती है। टाटा समूह 2014 में एयर एशिया बहुत के साथ जॉइंट वेंचर में एयर एशिया इंडिया शुरू करती है और एविएशन के क्षेत्र में नई छलांग लगाती है। इसे आगे बढ़ाते हुए 2015 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जॉइंट वेंचर करते हुए विस्तारा लॉन्च करती है। इसी साल विस्तारा 10 लाख कस्टमर्स को उड़ाने का रिकॉर्ड बनाती है। 2017 में TCS और कॉर्नेल टेक मिलकर एकेडमिक और इंडस्ट्री रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए टाटा इनोवेशन सेंटर बनाते हैं। 2018 में टाटा स्टील जर्मन कंपनी टुसनक्रप के साथ जॉइंट वेंचर करते हुए यूरोप में स्टील उत्पादन को नई दिशा देती है। 2018 में ही TCS $100 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली भारत की पहली आईटी कंपनी बन जाती है। 2019 में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और टाटा केमिकल्स को मर्ज कर नया एंटिटी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाया जाता है। 2019 में ही टाटा इंडिया के टॉप 25 कंपनीज में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंपनी बनती है। जनवरी 2020 में टाटा मोटर्स भारत की अपनी इलेक्ट्रिक SUV नेक्सॉन AV लॉन्च करती है। 2020 में टाटा समूह कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए का सहयोग देती है। टाटा ट्रस्ट इक्विपमेंट और हॉस्पिटल्स के द्वारा इमीडिएट नीड्स को पूरा करने में सहयोग देती है। 2021 में टाटा डिजिटल लिमिटेड जो पूरी तरह से टाटा सन्स के द्वारा ओन्ड है, ई कॉमर्स ग्रोसरी जायंट बिग बास्केट और ऑनलाइन हेल्थ केयर मार्केट प्लेस 1MG का मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर कर लेती है। ये क्योफिट हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करती है। 2021 में ही टाटा ग्रुप और TCS भारत में मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस बनाने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इसी साल एयर इंडिया जो 68 वर्ष तक सरकार के प्रबंधन में रहती है, 2021 में टाटा सन्स के द्वारा बिड जीतने के बाद 27 जनवरी 2022 को वापस टाटा ग्रुप के पास आ जाती है। 2022 में टाटा ग्रुप 2022 और 23 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनना अनाउंस करती है। 2022 में ही टाटा डिजिटल लिमिटेड अपना सुपर ऐप टाटा न्यू लॉन्च करती है। नवंबर 2022 में टाटा ग्रुप अपने दोनों एयरलाइंस एयर इंडिया और विस्तारा को कॉम्बाइन कर देती है। अब ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल करियर और दूसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक करियर बन जाती है। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हुए 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। ग्रुप का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। टाटा समूह की रिमार्केबल जर्नी इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा के विजन एंड परसिवियरेंस का प्रमाण है। 19वीं शताब्दी में अपनी बिगिनिंग के बाद इस समूह ने अपने बिजनेस वेंचर्स, वर्कर वेलफेयर कार्य और सेवा कार्यों से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है और यही कारण है लोग टाटा समूह को पसंद करते हैं। 21st सेंचुरी में टाटा समूह डाइवर्स इंडस्ट्रीज में डोमिनेट करते हुए ग्लोबल नॉर्म्स को चैलेंज दे रहा है। वी होप टाटा समूह आगे भी ऐसे ही इंडस्ट्रीज को आकार देता रहेगा, कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करता रहेगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली बार आपसे फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।